तो मैं आपको बता दूं ना, आज यहाँ इतनी चेकिंग इसलिए चल रही क्योंकि आज यहाँ कोई जज आने वाला है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज, तो इस से हर जगह पे आज चेकिंग वगैरह चल रही है। अभी गाइस फिलहाल जस्ट पहुंच चुके हैं हम जंगल के बीचों बीच एकदम, और हमारी गाड़ी अभी आ रही है पीछे से। तो ये है देखो गाइस, ये है मंदिर, ब्रह्म बुबू मंदिर कहते हैं इसको यहाँ पे का। बाकी देखो ये फिलहाल हमें बाबा जी भी मिल गए हैं जो कि ऊपर देखो काम वगैरह कर रहे हैं, और उनके साथ गए हमारे गड़िया भाई जो कि उनकी मदद कर रहे हैं। टूरिस्ट फुल पहाड़ वाले मोड़े में है, पहाड़ी वाला एरिया हो गया एकदम यार, स्कूटर पार्क सही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फिलहाल आज का व्लॉग भी आपके भाई ने स्टार्ट कर दिया, फिर फिलहाल जस्ट अभी मॉर्निंग के बज गए चार। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 9 बज गए और आज है संडे, आप लोग इससे पता ही होगा। सो आज ना आपका भाई मस्त जगह जा रहा है आपको घुमाने के लिए, और वहाँ अच्छा सा एक ब्लॉग बन देगा, संडे का ब्लॉग है तो आपको मजा आ जाने वाला है। तो जाने वाले सागर भाई, मैं और एक गड़िया भाई अपने, तो हम चलते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं कि आगे क्या रहता है ब्लॉग में। सो चलते हैं, बिना डैमेज करें और आपको अच्छा सा एक ब्लॉग बना के देते हैं। बस घुस गए जंगल वाले रास्ते, अब शॉर्ट रास्ता हमारा है, आगे चेकिंग चल रही थी वाले, अब यहाँ से पता भी नहीं है कहाँ निकलेंगे, निकलते जाएंगे वैसे इधर उधर से कहीं तो निकलेंगे। अभी गाइस फिलहाल जस्ट पहुंच चुके हैं हम जंगल के बीचों बीच एकदम, और हमारी गाड़ी अभी आ रही है पीछे से, तो जा रहे हैं सागर भाई और मैं। सागर भाई से आए कर दो। सो चलते हैं, बाकी आज का प्लान हमारा आपको ऐसी घुमाने का है बढ़िया ऐसी जगहों में। बाकी चलना, आगे चल रही थी चेकिंग। सो इस चक्कर से हम ये रास्ते जा रहे हैं, देखो ये है रास्ता ना जंगल का, शॉर्ट रास्ता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे क्या रहता है ब्लॉग में। तो ये फंसे पड़े अभी जंगल के बीच में, फंसे गए मतलब जा रहे हैं, ठीक है। और फिर कहाँ फंस गया? इतने पास मत जाओ रोड के अभी भी। हाँ सही, वैसे सही कह रहा तू, इधर से अभी वो गया कहाँ, गड़िया कहाँ गया? तो अभी गाइस फिलहाल हमारे साथ अभी अच्छा काम हो गया, बाकी फिलहाल हम जा रहे थे जंगल वाले रास्ते, बट हमारे गड़िया भाई ने यहाँ पे बहुत हिम्मत करके ना जस्ट चौकी के रास्ते से निकाली गाड़ी, इधर से सीधे सीधे निकाल दी गड़िया भाई ने गाड़ी, बट उससे हम ब्लॉग नहीं बना पाए ना यार। चलो कोई नहीं, निकल गई गाड़ी आगे, तो फिलहाल वो अकेले गया यहाँ पे से। और बट अभी सागर भाई और मैं पैदल पैदल जा रहे, थोड़ा चौकी पार कर देते आराम से, क्यों इसको तो पकड़ फिर। तो जा रहे भाई, आज आपको मस्त सा ब्लॉग दिखेगा, एडवेंचर वाला ब्लॉग, मतलब मजे आ जाने वाला आज के ब्लॉग में आपको। सो दिखाते हैं फिर आगे क्या रहता है ब्लॉग में। तो बने ना, बना लेते ना जंगल में, जंगल बनाता था तो बने ना वीडियो के साथ। अरे हाथ मार के अभी गाइस, चल हमने भी चौकी पार कर ली है, ये देखो चौकी पीछे रह गई। सो अब जा रहे हम, चलो चढ़ जाओ। बढ़िया, कोई देख रहा था तुझे? पीछे वाला देख रहा था ना? मैं देखा ही नहीं, मैं सीधा आ गया। तो अभी गाइस फिलहाल जस्ट पहुंच गए हैं हम, ये पता नहीं कहाँ की जगह है, बट पहुंचने वाले हैं हमें भी काला ढूंगी, ये चेक करें भाई साहब, व्यू तो बढ़िया है इधर का, घर पर अभी जा रहे हैं हम घूमने के लिए लिटरली। अरे टूरिस्ट, हाँ यार पहाड़ों पे आने का अपने मजा है। यो यो काला ढूंगी, तुम भी आगे निकल ले, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, निकल जा गाड़िया। तो आगे खड़े हैं देखो दोबारा, और हम यहाँ पे खड़े हैं और गड़िया भाई यहाँ पे निकाल लें दोबारा से गाड़ी, देख सकते हैं बहुत फुल चेकिंग चल रही है यहाँ पे यार, किस्मत होगी तो निकल जाएंगे आगे पकड़े। लौंडे बढ़िया निकाल दिया लौंडे ने गाड़ी, संघर्ष के साथ निकाली काफी ज्यादा, बट आगे खड़े हैं पुलिस वाले, चेक करें। ये जा रहा हमारा गड़िया राइडर और वो उधर खड़े पुलिस वाले, इस साइड खड़े इस साइड, बट देखते हैं निकल जाएगा वैसे, जहाँ तक लग रहा है मुझे। निकाल दी ओ भाई साहब, हैवी ड्राइवर है, मान गए गड़िया भाई को यार, फुल हैवी ड्राइवर है अपना गड़िया भाई। भाई साहब वहाँ से भी निकाल दी उसने, और गड़पू से भी, और यहाँ पे से भी, दो जगहों से निकाल लेगी भाई ने गाड़ी, लिटरली दो जगहों से बच गए हैं। सो चलते हैं फिर, अब कैसा लग रहा है आगे? बढ़िया, मजा आ रहा है ना? कभी कभी ना आप लोगों को मतलब एडवेंचर ब्लॉग बना के दो तो अच्छा लगता है देखने में, क्या? और बाकी सागर भाई ने प्लाजो पहन लगाए, प्लाजो। अभी गाइस फिलहाल खड़े हम जस्ट ये लोकेशन पे, ये लोकेशन चेक करिए, और इसके सामने से जो नैनीताल का और पहाड़ों का व्यू है ना, क्या ही बताएं, अल्टीमेट व्यू है। तो आपको एक बार चेक कराते हैं कैसा व्यू आ रहा है यहाँ पे का। तो ये चेक करें आप भाई साहब, ये देखो भाई, जो ये वाला पहाड़ है ना, उसके जो पीछे पहाड़ है लिटरली नैनीताल है, और इतना बढ़िया लग रहा है ना, ये देखो भाई, ये देखो व्यू यार, कभी आप लोग ऐसे घुमाने जगह आता ना तो मस्त लगता है। सागर भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, सागर भाई को मजा आना चाहिए और कुछ नहीं, ये व्यू है भाई। निकल जाइए गाड़ी, टेंशन मत ले, वो खड़ा है वहाँ पे पुलिस वाला ना। मैं तो हूँ यहाँ पे, अंकल ने बोल दिया आराम से निकाल, तो फिलहाल हम प्रवेश कर चुके हैं कोटा बाग में, आज हम आपको कोटा बाग ले चलते हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं शानदार सा।
तो अभी फिलहाल मस्त आ रहे हैं हम कोटाबाग, और भाई इधर से अंदर आके क्या ही मस्त व्यू, जंगल का जैसा व्यू है। बट अपनी गाड़ी ये खड़ी है, गड़िया भाई कुछ लेने गए हैं खाने पीने के लिए, सो देखते हैं क्या लाता है और उसके बाद कुछ खाएंगे और बाकी चलते हैं फिर इधर को सीधे और दिखाते हैं आपको व्यू। अरे अरे अरे, तो मैं आपको बता दूं ना, आज यहाँ इतनी चेकिंग इसलिए चल रही क्योंकि आज यहाँ कोई जज आने वाला है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज, तो इस चक्कर से हर जगह पे आज चेकिंग वगैरह चल रही है। सो हम तो भाई डर डर के आ रहे थे, बट गड़िया भाई अपने मस्त हैवी ड्राइवर निकला, हर जगह फुल से निकाल दी गाड़ी। और ये देखो इधर भी चेक पोस्ट है, बट इधर भी कुछ नहीं हुआ और गड्डी ये खड़ी यहीं पे खड़ी, देखो चेक पोस्ट के बगल में। देखो भाई सायरन की आवाज़ सुनिए आप, मेरे को लग रहा है आ गया जो सुप्रीम कोर्ट का जज आने वाला था ना, सुबह आ गया लग रहा। तो देखते हैं क्या रहता है क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ तो काफ़ी आ रही है, तो दिखाते हैं आपको ना। ये तो अभी एक दो दो गाड़ी निकल गई है, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, पांच गाड़ी, छह गाड़ी, सब अभी गाड़ियाँ गाड़ी जा रही है। आ गया लग रहा है जो जा जाने वाला था ना, तो लिटरली आ चुका है वो। सुतनी ये तो उधर को जा रही, नैनीताल जाना था इनको, तो कहाँ है आगे टाइम बहुत। और गाड़िया भी आ गया देखो, फुल पहाड़ वाले मोड़े में है, पहाड़ी वाला एरिया हो गया एकदम। यार इस कोटा बाग सही में ऋषिकेश तक गए थे बस से, उसके बाद वहाँ से बुलाए थे। अच्छा एक का चल रहे यार, वरना एक और बाकी था ना यार, मैं जाऊँगा जब जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद सीन बार कितना प्यारा लग रहा है, मंदिर भी यहाँ पे भरम बुबू है। तो फिलहाल जस्ट अभी हम कोटा बाग वाले जंगल पे, और भाई लोग गए थोड़ा सा आगे, एक्चुअली उनकी रील वगैरह बना रहे स्लो मोशन, और भाई साहब यहाँ पे रुके पड़े हैं, तो देखते हैं कि क्या रहता है। कहाँ पर से धूप में सही आती क्या? अरे बहन चल पोज कर। तो फिलहाल हम आए थे इधर कोटा बाग, बाकी इधर एक मंदिर भी है, बहुत जाना पहचाना मंदिर है, मतलब बहुत दादा मानते मंदिर को, ये ब्रह्म भुवे मंदिर का नाम। सो चलते हैं और आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ का क्या सीन है, ठीक है? और बाबा से भी मिलाते हैं आपको यहाँ के आज। तो ये है देखो गाइस, ये है मंदिर, ब्रह्म भुवे मंदिर कहते हैं इसको यहाँ पे का। बाकी ये देखो, ये भाई व्यू देखो यहाँ का, इतना प्यारा है ना, मतलब क्या ही बताएं। यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ मंदिर देखने, कम से कम अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से आते हैं यहाँ लोग। और ये देखो हनुमान जी की मूर्ति देखो, और ये काली माता की मूर्ति है यहाँ पे, और यहाँ पे हवन वगैरह होता है। मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे हवन, बट अभी यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है, पंडित जी भी नहीं दिख रहे हैं, बाबा जी मतलब। बाकी इधर देखो आज खाली है इधर, ये देखो एकदम रोड के किनारे है मंदिर, ब्रह्म भुवे मंदिर है। और ये व्यू इसका काफ़ी यहाँ का प्यारा सा व्यू है, देख सकते हैं आप। ये दृश्य चेक करिए आप यहाँ पे का, भाई साहब ये भाई काली माता ने दबा रखा है यहाँ पे शिव जी भगवान को, ये देखो। और ये खड़े हैं यहाँ पे शनिदेव महाराज जैसे थे, और बाकी ये हनुमान जी है। अभी फिलहाल लगा रहे हैं मंदिर में से टीका, ठीक है। तो फिलहाल हमें बाबा जी भी मिल गए हैं, जो कि ऊपर देखो काम वगैरह कर रहे हैं, और उनके साथ गए हमारे गड़िया भाई, जो कि उनकी मदद कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। एक्चुअली हम चले जाते हैं, बट इनके पास ना एक ही पाठल है, और एक पाठल से ये जो सारा कोने कोने का ना, सो ये साफ करना है, और वो साफ कर रहे हैं हमारे गड़िया भाई, देख सकते हैं आप। बाबा जी भी लगे पड़े हैं और गड़िया भाई भी लगे पड़े हैं। तो फिलहाल जा रहे हैं, सो चलते हैं फिर, अब चढ़ जाओ, चलो लौंडो चले, चलो। अभी गाइस फिलहाल जस्ट अभी घर पहुंच गए, सो यार इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज के इस ब्लॉग में एंजॉय किया होगा, तो प्यार सा लाइक और प्यार सब्सक्राइब जरूर कर दे अपने भाई को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बाय।